हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और क्या हालचाल है। और ये MI 1 का मैं की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आज। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है नून से, और इसे मैंने 350 रियाल का मैंने परचेज़ किया है। और बस जैसा कि आईफोन में डुअल सिम नहीं लगती है, तो उस वजह से मुझे दूसरी सिम मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, और इसलिए मैं डुअल सिम के वजह से मैंने इसे परचेज़ किया है। और ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल और ठीक ठाक लगा, तो मैंने इसे ले लिया है। और चलिए देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये जैसा कि आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो है मेड इन चाइना का है, ब्लैक कलर का। ये 4 GB RAM प्लस 64 GB ROM स्टोरेज है, और 8.0 MP फ्रंट कैमरा विद ब्यूटी मोड, रियर 16.0 MP मेन कैमरा शो आउट ऑफ ब्यूटी, 4G LTE कैपेबल, और सपोर्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, स्कैन अनब्लॉक। और बॉक्स अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे जो है सबसे पहले मोबाइल मिलता है, उसके साथ कवर भी अवेलेबल है, और ये उसके ऊपर स्टिकर लगा है जिससे आप जान सकते हैं कि रीस्टार्ट कहाँ से करते हैं, मींस रीसेट कहाँ से करते हैं, पावर वॉल्यूम वगैरह ये है। और ये फ्रंट पे भी स्टिकर लगा हुआ है, इसे रिमूव करते हैं और देखते हैं। और इसके साथ मुझे जो है स्क्रीन गार्ड भी मिला है, जो कि ये टेम्प्रेरी जो लगा हुआ है, अंदर हल्के से बबल्स भी हैं तो ये तो रिमूव हो जाएंगे। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये इंस्ट्रक्शन है और साथ में वारंटी कार्ड भी है, इसमें मैनुअल है कि कैसे यूज़ करना है, क्या है एवरीथिंग। और साथ में ही इसके जो है वारंटी कार्ड है, और एक ये होल्डर है, मोबाइल होल्डर, और ये काफ़ी अच्छा मोबाइल होल्डर है जो कि बहुत सपोर्ट करता है। और एक साथ में सिम को जो है सिम यूज़ करने के लिए पिन है, एक हैंड्स फ्री है। और एक ये अडाप्टर है और केबल है। इसका चार्जर जो है सैमसंग और दूसरे चार्जर से थोड़ा सा अलग है, और ये एंड्रॉयड फ़ोन है, काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ऑप्शनल फ़ोन में एक ये ऑप्शन अच्छा है, MI 1 का जो ये मैं रिव्यू कर रही हूँ, ये मोबाइल काफ़ी ठीक ठाक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने मेन फ़ोन के अलावा, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आप जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से फीचर है, डिस्प्ले इस तरह से है, और इसकी जो टच स्क्रीन भी है काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाइब्रेट कर रही है या बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसमें फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है, आप पासवर्ड वगैरह, पैटर्न या पिन कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, साथ में आप फिंगरप्रिंट भी अपनी ऐड कर सकते हैं इसमें, ये यानी अपने फ़ोन को आप अनलॉक इजीली कर सकते हैं। तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया, तो अब मैं इसमें सिम लगाऊंगी। और इसके बैक साइड का मैं अभी रिमूव नहीं की हूँ, और आपको रिमूव करके मैं दिखाती हूँ। और ये है इसका स्क्रीन गार्ड। तो आप लोगों को मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी और ये मोबाइल आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय।